Hey guys, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इकरा के एंगेजमेंट वीडियो पर। एक्चुअली दो वीडियोस पर रिएक्ट करने वाले हैं, एक तो एंगेजमेंट वीडियो और दूसरा होगा एंगेजमेंट का डांस वीडियो। बच्चा ये भी एंगेजमेंट अटेंड करने आया हुआ है, ये खाने के लिए वेट कर रहा है। पैसे पकड़ने की जब बारी आ रही है ना, मैं सिर्फ एक बात पूछ रही थी, लड़का हैंडसम है? इस टाइम में किस टाइम पैसा मिल रहा है ना इसको? रॉयल्टी लग रहा है, सिल्वर मुझे बहुत पसंद है वैसे। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में है एस्ट्रोलॉजी का, मेक श्योर टू सपोर्ट देम। पापा मेरे फेवरेट सबसे फोटोज के लिए सही आता है। मोस्टली सबने सिल्वर ही बना ना, खाली किसी ने दो एक पूरा थीम रहा है, लगता है थीम रहा है एंगेजमेंट का थीम। बहुत अच्छा ये है, मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है। हाँ ना, मामा जाएंगे, प्लानिंग बहुत अच्छा किया लगता है ना। हम इसकी अंगूठी देने जा रहे हैं गाइस, टेक इट ब्रो, टेक इट यो। वाओ, बहुत ही गुड लुकिंग कपल है वही तो, और ये मैचिंग तो बहुत जबरदस्त रहा। बी माय वाइफ बैकग्राउंड में देखा। पापा जी ने असली ताकत लगा दिया लगता है। So guys, ये देखे लकी भाई भी आ चुके हैं। लकी भाई इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कुछ बोलो, क्योंकि इतनी इन्होंने मंगनी की है, इन्होंने कहा कुछ बोलो। शेख कुछ कर, शेख कुछ कर। हम यहाँ पे अब लेने आए हैं गरम गरम जलेबी। थैंक यू। यहाँ पे गरम जलेबी मिली, वहाँ पे ठंडी दे रहे हैं। तुम लोगों के साथ देखा हुआ है, जलेबी के लिए मल्टीपल स्टैंड्स हैं इनके पास। उनको लगने दो पहले, फिर लेना। अच्छा चल ना, जाए ना बाकी। मैं वही सोच रहा था कितना टायरिंग प्रोसेस है, कितने सारे फोटोज निकालना पड़, हर किसी के साथ फोटो भी रहेगा ना। क्योंकि जाके पिक्चर खिंचाने के लिए मैं समझ जा रही कि मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊं, जबरदस्ती हो रही है सब कुछ हो यहां से। वैसे आकाश खुश हो गया कि नहीं? राबिया आ गई, कैमरे की कोई बात नहीं। इसको बड़ा मजा आ रहा है इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम पैसा मिल रहा है ना इसको। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये टाइम बड़ा अच्छा होता है दूल्हा दुल्हन के मुंह पे, इस टाइम बड़ी खुशी होती है क्योंकि इनको ना आप ही पैसा ही पैसा। देखें इवेंट शुरू हो गया और मेरे लहंगे पे कितने फूल 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 शूल, और ये आधे मैंने अम्मा को हैंडओवर किया। पहले मुझे बताया मेरी रिंग कैसी लग रही है, बाकी यहाँ की सारी आपको सूरत हाल दिखाती हूँ। मेरी बहनें यहाँ पे तैयार हो रही हैं अपने डांस टिटू पार्टियाँ के लिए, और ये मेरे लॉज बैठे हैं सारे, और ये मज़े का माहौल है। अब मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ। क्या है ये ले, ये देखें डकी भाई से तो मैंने आपको मिलवाया नहीं, अभी देखना मैं रूप की तरफ कैमरा करूंगी, ये शायद कैमरे में देखे रूप क्यूट है ना। मजा कर रहे हैं एकदम, चील लग रहा है ना बहुत ही सिंपल पर्सन लगेगा। सिंपल पर्सन एकदम।
है नहीं मेरी बाजू ऐसे लग रहा है जैसे साथ है ही नहीं है मुझे इस वक्त बहुत आंखें तक रही है हाँ जी क्या मसला है नाच नाच के तोड़ दे सैंडल शुक्र है मेरा फोन मिल गया पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही मेरे पास नहीं था तुम्हारे पास ही था नहीं मैंने कहीं से खुद पकड़ा औरतों का मिलना कभी खत्म नहीं होता ये बात मुझे पता है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये देखो कितनी मीठी बनती है मुझे ऐसा लगता है ये राधिया ना हर व्लॉग में किसी ना किसी को रोस्ट करते ही रहती है ना मैं नोटिस बहुत बार की लोगों की भी शादी आनी है हमें इतना मजा आया बस नहीं था इसमें कि मैं कैसी लग रही हूं होना भी चाहिए कैसी लग रही है पूछ बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छी वाओ वेडिंग केक नहीं एंगेजमेंट केक लेते हुए तुम लोगों ने देखा नहीं था खुशी से मोटे हो गए उस दिन तो सही थी अब क्यों टाइट सही थी ना वो मेरा साइज लेने आए थे मैंने इनका साइज ही नहीं लिया अब देख दिखाए अपनी रिंग दिखाए जरा मेरी रिंग ज्यादा प्यारी है यार यार उंगली लगवा दो डायमंड को हां उंगली लगा दो प्लीज डायमंड को गोल्ड उंगली लगवा दो टच कर लो दोनों बहुत प्यारी है बहुत प्यारी माशा साइज चेंज करना पड़ेगा बस मेरी ही नजर ना लग जाए दोनों मानो उसका चक्कर भी देखना कैसा है बहुत टाइट है ना मैं तो थप्पड़ लगा लेता ओए वन एक एक करके आएगा सब और फटाफट वन टू थ्री स्टार्ट चलो क्या हो रहा है चलो चलो ये क्या हो रहा क्या था फोटो मुझसे शादी करना आसान नहीं होता शादी करना नहीं मम्मी नहीं करना भी नहीं आसान आई मैं मर जाऊंगा ये एकदम फनी है लगा मेरे पैरों में लग रहे हैं चलो और शक्ल भी एकदम फनी वाला है क्या क्या खाया तुम लोगों ने कुछ भी नहीं क्यों बहुत थोड़ा खाना खाया मतलब भूखी मर गई यार कैनी इमेजिन या नीचे पानी और मैं नंगे पांव हूं और बर्फ जैसा पानी है मेरे पांव सुन्न हो गए हैं मामा क्या हुआ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं इतना ज्यादा मैं जिंदगी में कभी नहीं थकी मैंने बहुत शूट्स किए हैं ब्राइडल शूट्स भी किए हैं लेकिन इवेंट यार पता है क्या जब ड्रेस आप हैवी जब आप एक्स्ट्रा हैवी ड्रेस पहनते हो ना तो ऐसे ही होता है आई गॉट अनदर गिफ्ट ये आपके लिए है चेन भी गिफ्ट किया एंगेजमेंट पर रिंग तो मिली है बट नहीं बोल रहा हूँ Buy one, get one free की ऑफर जो फ्यूचर वाइफ होगी उसको हमारी वापसी है जी आपके घर जाना मैं जितनी मेहनत की और जितने ख्वाहिरी बर्दाश्त अरीफ से मुझे सब उनके सर में फुल दर्द हो रही है वैसे अरीफ इसके लिए बहुत 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 थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपको पता है मुझे स्टोन्स बहुत पसंद है देख रहे हैं आप पता है कंसीडरेट भी सोच के आइंदा के बाद पहनोगे लहंगा नहीं हां शादी पे जींस शर्ट पहनूंगी अपनी वो मैंने प्रॉमिस किया नहीं ये सब झूठे प्रॉमिस सब झूठे झूठे वादे थे इनके चले पीछे पीछे आया तू भी वो लहंगा आया झाड़ू देते हुए जा रही हूं ये है एस्ट्रोलॉजी हाउस जिस टाइम सजा था सो एज यू नो कि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी अभी मुझे नहीं पता मेरी आंखों की क्या हालत है मैंने अपने लैशेस बड़ी मुश्किल से रिमूव किए हैं और मुझे मेरी आंखें रेस्टलेस हुई हैं इस वक्त क्योंकि आपको पता है कि सुबह बहुत जल्दी उठी है मेरा लेंस भी पता अभी हम लोग एंगेजमेंट डांस परफॉर्मेंस वाला व्लॉग देख रहा जैनब को हंसी आ रहा है मुझे वही देखकर हंसना आ रहा है सबसे आगे खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है बहुत नर्वसनेस होता है पीछे रहना ठीक है गलती किया तो भी उतना नजर नहीं आता स्कूल में डांस किया तो पता ना पीछे रहेंगे तो कैसे छूप जाते हैं ना समझ में नहीं आता और कॉपी भी कर सकते कॉपी भी कर सकते वो बेचारी पीछे ऐसा देख रही है कैसा स्टेप्स है
एक परफॉर्मेंस के लिए कोरियोग्राफी याद रखना कितना मुश्किल है, इन्होंने मल्टीपल परफॉर्मेंसेस प्रिपेयर किए, डांस स्टेप्स याद किए, तो फिर इम्प्रेसिव। किसका डांस सबसे बेस्ट लगा अभी? मुझे ऐसा लग रहा है हीरा ज़्यादा अच्छा कर रही है। हीरा सबसे कॉन्फिडेंट लग रही थी, स्टेप्स याद है। राबिया रिलैक्स भी लग रही है एक्चुअली, एंजॉय कर रही है उसे। अभी मैं शायद चेंज करने वाला हूँ, राबिया सबसे बेस्ट परफॉर्म करी आई गेस। हो सकता है आगे देखते हैं और भी है। हीरा दिया या जानबूझ के? जानबूझ के क्या आई थिंक। ओके अभी लड़कों का परफॉर्मेंस, ये भाई साहब होना नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा डांस, बहुत अच्छा कर रहा है। अभी चेंज कर दिया हमने वापस डिसीजन, बेस्ट डांसर तो ये निकले। ये बहनों का ही ज़्यादा डांस चल रहा है। 295 आउट ऑफ, ये अपने मूड में ही है, अपना अलग ही चल रहा है। इसके लिए अच्छा प्रिपेयर किया लगता है। वाओ वाओ, अरे डाला। राबिया को देख के बोल रहा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। हमने अभी तक स्टेज के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक एंगेजमेंट के लिए इतना एक मेकशिफ्ट स्टेज बनाना, और वो भी इतना गुड लुकिंग स्टेज बनाना, बहुत लोग ऐसा शादी के वक्त करते हैं ना। हाँ, कुछ आठवीं बार रहा है। एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है, इन्होंने कितना प्रिपेयर किया होगा इसके। अरे बाप रे, नाइस। फाइनली हीरा का सोलो, सोलो परफॉर्मेंस है। हीरा एक्चुअली अभी मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, हीरा और राबिया में से चूज करना, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हीरा ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि वो बाकियों से मतलब ऐसा बेस्ट एकदम। मेरे हिसाब से हीरा सबसे स्टेप्स पर फेथफुल रही है, बिल्कुल ऐसा भूल रही नहीं थी और एग्जैक्ट स्टेप्स कर रही थी। राबिया थोड़ा ऐसा राबिया पे डिपेंड भी रह रही थी। राबिया का मुझे ऐसा लगा जब वो उसको याद था और मूड में थी, हाँ, तो सबसे बेस्ट वो कर रही थी, लेकिन फिर कभी कभी मैसअप भी कर रही थी। देखो मैसअप तो होना ही था, क्योंकि हाँ, देखो थोड़ा स्टेप्स इधर उधर मिस होना 100% होना था, क्योंकि देखो इन्होंने ऑलमोस्ट 10 डांस और 10 सॉन्ग्स के लिए परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया है, अलग अलग डांस स्टेप्स है। तो इमेजिन करके देखो, अगर स्कूल में आपको 8 सब्जेक्ट्स है और सब सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ पढ़ के सेम डे पे सारे एग्जाम्स लगा दिए, उस तरीके का सिचुएशन है। कितना भी प्रिपेयर कर लो, दिमाग में सब कुछ तो मिक्सअप होना ही है, तो बहुत ही इंप्रेसिव। तो मैं सिंपल आइडिया मेरे पास, मैं एग्जाम हॉल छोड़ के चला जाऊंगा। परफेक्शन जरूरी भी नहीं है, ये फैमिली फंक्शन है, बहुत ही थोड़ा फनी भी बन गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ऐसा यादगार बन जाता है, और कभी जाके ऐसा देखा 2 साल 3 साल या 4 साल बाद जब भी देखो तो थोड़ा ऐसा एक मजा आता है कि यार कुछ फनी भी किया था। मतलब अभी डांस के बारे में तो हम लोग ने काफी बात कर लिया, डेकोरेशंस के बारे में थोड़ा बात करता है। फुल स्टेज से मुझे याद आया, स्टेज का ऊपर जो बनाया डिजाइन जबरदस्त है, वो तो है। और पीछे जो चेयर्स के पीछे जो बैकग्राउंड में लगा है वो भी जबरदस्त है, फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स तो इनकी मॉम को ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से आई एम श्योर की मॉम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगी इसमें। हो सकता नहीं, होगा ही, लेकिन फ्लावर्स जब इन्वॉल्व है तो वो बनाया नहीं है शायद से। तो या काफ़ी ज़बरदस्त डेकोरेशन, ज़बरदस्त था। फिर जो प्रोडक्शन था इस वीडियो का, खाली नहीं बोल रहा, ओवरऑल जो एंगेजमेंट वीडियो और ये दोनों मिला के बहुत सारे कैमरामैन इन्वॉल्व थे इसमें। आई थिंक ड्रोन से भी कुछ कुछ फुटेज निकाला। बहुत एफर्ट लिया है इसमें, एंड बजट काफ़ी बड़ा रहा रहेगा ऑब्वियसली। एनी वेज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू सिस्ट्रोलॉजी, एंड अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।